नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो गाड़ियों के बारे में, होंडा क्रेटा ई एंड ईएक्स। डीजल हो पेट्रोल हो, वो दोनों के बारे में बात करेंगे, कंपेयर करेंगे कि वो दोनों गाड़ियों में से क्या डिफरेंसेस है और कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी लगती है। पास अवेलेबल है होंडा क्रेटा ईएक्स, आप सामने देख रहे हैं। मैं आपको डिफरेंसेस बताते जाऊँगा कि ई में क्या मिलता है और ई में ईएक्स में क्या क्या मिलता है। तो सामने से बात करेंगे तो आपको लुक में कोई चेंज नहीं है, सिमिलर लुक आपको ई एंड ई एक्स में देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल से बात करेंगे तो आप एक मेन नोटिस कर पाए होंगे, जो ई है उसमें दोस्तों आपको फेंडर के ऊपर इंडिकेटर मिलेगा एंड ई एक्स में दोस्तों आपको जो इंडिकेटर है वो आपको ओ आर वी एम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाकी शार्क फिन इंजन आपको ई एक्स में मिलेगा, ई में आपको कोई शार्क फिन इंजन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो सिमिलर रियर प्रोफाइल आपको ई एंड ई एक्स में देखने को मिल जाता है। सारा कुछ जो चेंजेस है वो आपको दोस्तों अंदर से ही देखने को मिल जाएगा। अंदर बात करते हैं क्या क्या मिल जाता है। ये जो दोस्तों गाड़ी है वो ईएक्स है, इसमें हमें आप देख सकते हैं जो मिरर्स है वो आप एडजस्ट करने के लिए आपको स्विचेस यहाँ दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप ई की बात करेंगे तो आपको यहाँ स्टिक मिल जाती है, उससे आप आपका मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है जो मेन कंसर्न, वो ड्राइवर साइड स्विचेस, उसमें आपको कोई भी फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए बटन ई में नहीं मिलता, ई एक्स में भी देखने को मिलता, लेकिन आप मिरर से वो आप आपके बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर बात करेंगे तो जो स्टीयरिंग है दोस्तों, स्टीयरिंग के ऊपर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे ई एक्स के ऊपर, ई में नहीं मिलते। सनग्लास होल्डर आपको ई एक्स में देखने को मिलेगा, ई में देखने को नहीं मिलता। इंफोटेनमेंट सिस्टम 18 इंच का टच स्क्रीन आपको ईएक्स में मिलेगा, ई में देखने को नहीं मिलेगा। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको ईएक्स में देखने को मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं यूएसबी कनेक्टिविटी आपको यहाँ मिल जाएगी, ओके, और आप ईएक्स में आपको वो नहीं मिलती। देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या है, में टीपीएमएस आपको ईएक्स में देखने को मिल जाएगा, वेयर एज ई में आपको वो देखने को नहीं मिल जाएगा। देन आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको ई में देखने को नहीं मिलता, वेरियस आपको ईएक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर हम प्राइस की बात करेंगे दोस्तों, तो होंडा क्रेटा ई की जो एक शोरूम प्राइस है 10,91,000 डीजल की एंड 10,34,000 नियर अबाउट पेट्रोल की। अगर हम इसके ईएक्स से कंपेयर करेंगे तो ईएक्स की जो एक शोरूम प्राइस है वो है 12,29,000 डीजल की एंड उसकी जो पेट्रोल की प्राइस है वो है 11,44,000 समथिंग। एग्जैक्ट जो प्राइसिंग है दोस्तों वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों कौन सी गाड़ी आप कंसीडर करना चाहोगे, ई और ई एक्स? मेरे हिसाब से मुझे अभी भी लगता है कि जो ई वेरिएंट है होंडा क्रेटा ई वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज जो प्राइस डिफरेंस है वो लगभग है 1,40,000 का, और 1,40,000 में आप बाहर आफ्टर मार्केट एक्सेसरी इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी गाड़ी बना सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए डिफरेंस बिटवीन होंडा क्रेटा ई एंड ई एक्स एंड आप कौन सा वेरिएंट खरीद सकते हैं। मुझे लगता है आप अभी भी ई वेरिएंट के ऊपर ही जा सकते हैं एंड मैं भी होता तो मैं भी ई वेरिएंट ही खरीदता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू सून। Fearless.